हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। 7:30 होने वाले हैं और यहाँ पे मैंने सब्जी मंडी खोल रखी है। सारी सारी सब्जियाँ लेके बैठी हूँ अभी मैं। कल के ब्लॉग में दिखाया था कुछ सब्जियाँ ली थी ना मैंने, तो मैंने उनको चॉप करके रखा है क्योंकि इस मॉर्निंग में ना हस्बैंड जी को जाना होता है जल्दी। पीछे की लाइट बंद करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आता नहीं तो। और मिस्टर सक्सन का टीवी भी चल रहा है, मैं इसको कह रही हूँ आवाज कम कर लो, लेकिन मान ही नहीं रहा। ये सो गया था, सो के उठा, थोड़ा नाराज सो गया तो ऐसे से है। कहाँ रखे थे आपने वो? अभी मिल जाएंगे, ढूंढ के देती हूँ। सक्षम हो रहा है चिड़चिड़ा। और यहाँ पे मैंने भिंडी कट करके रखी। मॉर्निंग में ना हस्बैंड जी को बहुत जल्दी जाना पड़ता है अपने काम पे। मैं आपको बताती थी कभी कभी 6 बजे 5:30 बजे भी निकल जाते हैं, तो इतनी जल्दी सब्जी कैसे काटो है ना। तो यहाँ पे कुछ लौकी चॉप करी है और ये करेला चॉप किया था मैंने पिछले ब्लॉग में ही कर दिया था ये तो। और अभी ये प्याज छील के रखे हैं क्योंकि मेरे को करेला बनाना है। करेला कहीं जाओ तो ले जा भी सकते हो ना इजीली, अगर पूरी फैमिली भी कहीं जा रही हो तो इन सबको मैं कट करके रखा है। अभी ये चीज़ें तो फ्रिज में रख दूंगी ना, भिंडी और ये, और करेला भी मेरे को बनाना है। और 7:30 बज रहे हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ और प्याज काट रही हूँ। प्याज को ना 2 हिस्सों में कट करके पानी में डाल लेते हैं भगवाने में, तो ठीक रहता है, आँखों में जलन नहीं होती। तो वैसे ही करूँगी मैं क्योंकि काफ़ी सारी प्याज कटती है करेले के लिए, फिर आँखों में ना मिर्ची सी लग जाती है, लाल हो जाती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने रो रहे हूँ, है ना। और मेरी आँखों में लगती भी काफ़ी सारी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सौ को नहीं लगती, बहुत कम लगती है। जैसे मैं अपने हाथों से हरी मिर्ची नहीं काट सकती, कैंची से काटती हूँ। अगर मैंने ऐसे ही काट दी चाकू से तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो जाती है, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है। लेकिन प्याज तो आई थिंक सभी की आँखों में लगती होगी, तो एक अच्छा टिप है ये। और आई थिंक ये टिप सभी को पता होगा कि प्याज काट के ऐसे पानी में भिगो लो तो फिर मिर्ची नहीं लगती, आँखों में जलन नहीं होती। तो बस इसी तरह मैं काट लूंगी और मेरी आँखों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि जब भी घर में कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना इसको बहुत ज्यादा मन करता है इसको खाने का, इसको पसंद है। सक्षम खा लो अपने दूध कॉर्नफ्लेक्स। और इस हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं, श्रीजा बाहर खेल रही है बच्चों के साथ। कहाँ पे बैठ के खाओगे? नीचे बैठना पड़ेगा, नीचे बैठ के खाओ। ये देखो क्या फैला रखा है, क्या क्या गिरा रखा है नीचे। और अभी मैं किचन में आई हूँ, करेला फ्राई करूंगी, रोटियां बनाऊंगी। तो मैं सोची करेले के साथ में दाल बना लेती हूँ, मूंग की दाल वो ठीक रहती है। हाँ जी, करेले के साथ में मूंग की दाल भी बनाऊं? चलो वो बना लेती हूँ, क्योंकि रात को ही रोटियां खाते हैं कम, दाल तो ठीक रहती है इनके लिए। और आजकल पता है पानी कैसे आ रहा है कि मोटर चलाए भी ना बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैंने मोटर चलाई है, कभी मैं अपने काम में लगी रहूँ और मोटर चलाना भूल जाऊँ फिर टैंक खाली रह जाएगा, तो वो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे दोपहर तक के बर्तन पड़े हुए हैं क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि अब मैं किचन ना दिन में सिर्फ 2 ही बार क्लीन करती हूँ। तो बर्तन अभी साफ करूंगी, लेकिन उससे पहले आटा लगाऊंगी और सब्जी फ्राई करूंगी, तो इतना सब्जी बनती रहेगी इतना मैं अपना बर्तन क्लीन करती रहूंगी। और सबसे पहले मूंग की दाल भिगो देती हूँ, क्योंकि भिगो के ठीक रहती है, एक पॉलिश सी चली रहती है ना दाल पे, पाउडर से कैसा होता है वाइट सा, वो उतर जाता है। तो थोड़ी सी दाल बनाऊंगी। और करेला खाना श्रीजा को भी पसंद है और सक्षम तो नहीं खाता करेला, मेरे को भी पसंद है। और मूंग की दाल के साथ करेले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, मेरे यहाँ पे सबको पसंद है। तो इसलिए मैं दाल और करेला बनाया है आज मैंने डिनर में। और श्रीजा को पता नहीं, पराठे से करेला खाना आजकल बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि मैं बर्तन क्लीन करूँगी ना तो ये पराठ वगैरह सब एक साथ साफ हो जाएंगे। तो आटा छान लेते हैं, बना लेते हैं, जल्दी से आटा लगा लेते हैं। तो आटा भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा ही लगाऊं, क्योंकि जो बच जाता है फिर या तो वो गाय को खिलाती हूँ, जैसे गाय आ जाती है बाहर गेट पे तो उसको दे देती हूँ थोड़ा, एक आध लोही का बच जाता है तो, है ना। क्योंकि फिर हस्बैंड जी को भी रोटियाँ ना बहुत लिमिटेड देनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले मैंने बर्तन क्लीन किए और उसके बाद एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई और एक तरफ दाल बॉयल होने के लिए रख दी। और ये थोड़ा सा ऑयल रखा है, ऑयल थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ करेले में, फिर भी थोड़ा बहुत तो डालना ही पड़ेगा तभी बनेगा। उसके बाद जीरा डाला, जैसे मैं करेला बना रही हूँ आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद प्याज फ्राई कर लेंगे, हरी मिर्च भी काटी है, हरी मिर्च मैंने करेले में भी काटी है, तो प्याज को मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। भरवा करेला भी काफ़ी टेस्टी बनता है, लेकिन इस तरह से भी अच्छा बनता है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था करेला कट करके इसमें नमक लगा के रख दिया था, तो नमक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अपना पानी छोड़ देता है, जो कड़वा पानी है ना, तो देखो हाथ से निचोड़ेंगे ना तो खूब पानी निकलेगा और निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकल जाएगा।
तो बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारा कड़वा करेला बनता है, अच्छा नहीं बनता, कड़वाहट आती है। तो देखो कितना पानी निकल रहा है इसमें, और मैं मुट्ठी से भीच रही हूँ तो ये निकलता जा रहा है। हल्का सा मसल लो और ऐसे भीच दो, देखो कितना निकल रहा है ना। तो ये सब कड़वा पानी है, किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना तो उसको ये वाला करेले का जूस भी पिला सकते हैं दोस्तों। तो बस उसके बाद में ये ऐसे सारा निचोड़ लूँगी मैं। तो इस ट्रिक से आप बनाते हैं क्या, नहीं बनाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भरवा करेला बनाते हुए भी मैं उसको बीच में सीरा लगा के ऐसे ही निचोड़ देती हूँ। देखो कितना पानी निकल रहा है, बहुत कड़वा कड़वा। नमक लगा के रख देते हैं तो ठीक रहता है, और इंस्टेंट भी बना सकते हैं। इस तरह से निचोड़ दो, 5 मिनट में पानी छोड़ देता है। तो सारा करेला मैंने निचोड़ लिया, और उसके बाद में प्याज भी दूसरी तरफ फ्राई हो रही है। तो प्याज फ्राई होती जा रही है, करेला भी रेडी है बनने के लिए। तो इस करेले को मैं प्याज में डाल दूँगी ऐसे ही, और साथ में फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो भी मसाले आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं अब डालूँगी हल्दी, थोड़ा नमक, और यहाँ पे एक क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी, उसमें मैंने इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सौंफ का पाउडर डाला था, और थोड़ा सा आप इसमें चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, कच्चा आम काट के डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अचार का मसाला डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इधर करेला मेरा बनने वाला है, और दाल फ्राई कर दी है मैंने बच्चों के लिए, हस्बैंड जी को ऐसे ही देंगे। और गर्मी बहुत है, गर्मी में पसीने पसीने हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी, बाहर कपड़े सूख गए, उनको उतार के लाती हूँ। आजकल ना रात में पता नहीं होता किस दिन आंधी तूफान, किस दिन बारिश आ जाए, तो रात को कपड़े उतार लो तो ठीक रहता है। वैसे कभी कभी पड़े रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं पड़े छोड़ने चाहिए। तो सारे कपड़े सूख तो गए बहुत जल्दी, लेकिन इनको उतार लेते हैं पहले इनको। मैं सोची अभी मैं काम में लगी हुई ना, तो साथ साथ फोल्ड भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी मैं जब भी काम करती हूँ तो लगातार 2-3 घंटे एक साथ करती हूँ, और फिर रेस्ट करती हूँ। आजकल मेरा काम ऐसे चल रहा है, कपड़े भर पड़े हैं काफ़ी सारे। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं सारे कपड़े भी फोल्ड कर दूँगी, और खाना मेरा बन गया है। रोटियाँ मैं बना के रख के आई हूँ, और कपड़े फोल्ड कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये कपड़े फिर मॉर्निंग में ना मेरे लिए काम बढ़ाएंगे। और आप सफाई कर लो, और बेड वेड पे कुछ फैला पड़ा रहे ना तो ऐसा लगता नहीं कि घर क्लीन हुआ। तो रात को जल्दी जल्दी ये भी कर लेती हूँ। आज मेरे डिनर को थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे वीडियो वगैरह कई सारे एडिट करने थे दोस्तों, तो उसके चक्कर में ना खाने में मैं देर में लगी। किचन मेरी मतलब दोपहर को नहीं क्लीन करती मैं, शाम को ही करती हूँ अब, नहीं तो मेरा काम भी लेट हो जाता है। मेरे को आजकल थोड़ा सा 1-1.5 घंटा दोपहर में रेस्ट भी करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आप थोड़ा रेस्ट भी लो, और उसके बाद नहीं मैम, आज दरअसल एक लड़का जो डिलीवरी वाला है ना, उसकी चोट लग गई, अब उसके पैकेट में बांट रहा हूँ, मैंने पहले अपने पैकेट बांटे, अब उसके पैकेट बांट। 2-3 बार से ना देर से ही आ रहा है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रात दिन में गर्मी भी बहुत होती है ना। थैंक यू। देखा खोलियो। तो अभी आपने सुना होगा कि डिलीवरी बॉय ने क्या बोला, तो ये लोग हमारे लिए हर हालत में काम करते हैं दोस्तों, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इनके साथ प्यार से पेश आएं, क्योंकि ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, और इनको हर हालत में अपना काम। और मैंने लोगों को डिनर तो करा दिया है, लेकिन मेरे को ना अभी रात में हेयर कलर लगाना पड़ेगा अपने बालों में। वैसे मैं हेयर कलर ना बहुत रेयरली लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ मेहंदी लगाऊँ, लेकिन इस बार मेरी मेहंदी नहीं लगी। बोलो बोलो, पेट में दर्द क्यों हो रहा बार बार, एक बार चेक करो, पापा को दिखाओ। आज सुबह से पेट दर्द बता रहा है, पता नहीं क्यों। सक्षम चोट तो नहीं मारी दोनों भाई बहन ने? अरे गाय दाल भी नहीं पी, दाल फिनिश करो। पूरा ना खाने वाला दर्द तो नहीं हो रहा, तो पूरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। और मैं आपको बता रही थी ना कि हेयर कलर, ए आवाजें कम करो बच्चों उसकी, ऐसे तो बहुत आवाजें आती है मेरे ब्लॉग में। तो मेरे को लगाना है हेयर कलर, क्योंकि कल या परसों मेरे को कहीं जाना है, और दिन में ना मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। देखो छुपा के बैठे सकते, और दिन में मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल मैं। तो ये मेरे पास लॉरियल का कलर पड़ा हुआ है, डार्केस्ट ब्राउन, तो इसको मैं वो टचअप करूँगी, क्योंकि यहाँ से ना मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, और फिर ये दिखते हैं ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मेरे को दिन में टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं रात को ही रूट टचअप कर लेती हूँ। और देखो शीशे पर रोज़ सफाई करती हूँ, फिर भी ये छींटे से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
तो ये बाहर वाले एरिया में जो शीशा है यहाँ पे सही से दिखता है, तो मैंने यहीं पे अपना कैमरा फिट कर लिया। तो ब्लॉगिंग भी करते रहेंगे, अपनी हेयर केयर भी करते रहेंगे, दिन में सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। वट सावित्री का व्रत भी चला गया, मेरी थ्रेडिंग तक भी नहीं बनी, ना बाल ठीक हुए, कुछ भी नहीं हुआ। अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती, मेहंदी तो बस त्यौहार के बहाने से लग गई थी, ठीक है। और पता है बाल सफ़ेद हो गए, एज तो चलो है ही, जो भी एज तो बड़ी है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा टेंशन से भी होती है दोस्तों। और आप कहोगे टेंशन मत लो शिप्रा, तो टेंशन तो यार होती है, किस चीज़ की टेंशन ना लें, घर के काम की टेंशन, हस्बैंड के काम की टेंशन, पैसों की टेंशन, दवाइयों की टेंशन, डॉक्टर की टेंशन, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन, है ना। मैं जानती हूँ कि सब कुछ भगवान जी करने वाले हैं, उनके भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और मैंने छोड़ भी रखा है, इसीलिए शायद मैं स्माइल कर रही हूँ उस टाइम पे, मुश्किल समय पे भी। लेकिन टेंशन तो होती है, क्या करें, हम इंसान हैं ना, दिमाग तो परेशान होता ही है। और मेरा पहले एक भी बाल सफ़ेद नहीं था, और ये जो टेंशन वाले कुछ साल रहे ना लाइफ में, इसमें बाल सफ़ेद हो गए मेरे बहुत सारे। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं कभी कलर लगाती, बस आगे थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, तो उससे मेरा काम चल जाता है। मेरे बाल वाइट तो हैं, लेकिन ऐसे जैसे एक साथ में एक जगह को बहुत सारे हो जाते हैं उस टाइप से नहीं है, और होंगे भी तो मैं कर लेती हूँ, पता नहीं चलता। और मेहंदी नहीं लगी बहुत टाइम से, पहले मैं जल्दी जल्दी मेहंदी लगा देती थी, और मेरे को बहुत मन कर रहा था पिछले दिनों कि मैं अपने बालों का कुछ कराऊं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, कटिंग भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये पीछे से ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, ये शेप में भी नहीं हो रहे। तो किसी दिन देखती हूँ आगे आने वाले टाइम में, जाती हूँ कुछ पार्लर वालर, लेकिन सच में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों की स्टडी का हॉलीडे होमवर्क मिल गया, और छुट्टियों में उसको भी कराना होता ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ कलर मैं, और देखते रहिए आप भी कैसे कैसे करती हूँ मैं टचअप। आप लोग लगाते हो क्या कलर, कमेंट करके बताइएगा, और लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं। ये लॉरियल वाला ठीक रहता है, जिनको रूट पे वाइट की प्रॉब्लम है ना, ग्रे हेयर्स की, उनके लिए ठीक रहता है। और ये मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था, जिनकी डेथ हो गई है ना, खुशी की मम्मा, तो तब मेरे स्टार्टिंग हुए थे, तो उनके पार्लर में वो ये यूज़ करती थी, और तब से मैं यही वाला लाती हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन पार्लर वाले लोगों को होता है ना, तो दीदी ने मेरे को यही बताया था, और तब से मैं यही यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। और बस मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ को ना, हमको अपने लुक्स का भी ध्यान रखना चाहिए, लुक्स हर एक लेडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, अच्छा दिखना हर औरत की चाहत होती है। कभी मेरे को बहुत क्रेज़ रहता था अपने कपड़ों का, अपने लुक्स का, और एक टाइम था कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था हार श्रृंगार सब कुछ करना, लेकिन लाइफ ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी ठीक रहती हूँ अपने आप को। ब्लॉगिंग से मैंने काफ़ी चेंज किया, एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल अपने आप को भूल गई थी कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अभी मेरे को फ़ील होता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से करूँ, और मैं करने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, है ना। और काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, एंड सबको लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए कुछ पल। और ये जो मैं कलर वगैरह लगा रही हूँ, इसका कुछ रीज़न भी है, आगे ब्लॉग्स पे आपको पता चलेगा। समथिंग इज़ गोइंग डिफरेंट इन आवर लाइफ, और वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग, तो जो भी हम प्लान कर रहे हैं तो आपको आगे ब्लॉग्स में पता चलेगा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, तो हस्बैंड और मैं कुछ तैयारियों में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को भी लाइफ में पहली बार ये है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा था जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी ना उस तरह से नहीं चलती जैसे आप सोचते हो, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी आपको जैसे रखे आपको वैसे खुश रहना चाहिए, और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, और हिम्मत से डट के खड़े रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो कलर लग गया है मेरा बस, तो मैंने अपना रूट टचअप तो कर लिया है, अब देखो कैसे हो जाते हैं बाल ठीक हो जाते हैं इससे, तो क्या करें, मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। और एक एज ऐसी होती है कि उसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहती, बाल सफेद या कोई, वैसे मेरे टेंशन से भी हुए हैं काफी हद तक, लेकिन एक एज होती भी है ना, तब आपको कोई टेंशन नहीं रहती बाल सफेद है या कैसे है, है ना। जब आप थोड़े बड़े होते हो तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो अभी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब मैं ये करते करते ना किचन क्लीन कर लूंगी, और आधे घंटे बाद में इसको वॉश करूंगी, तो मैं अपने किचन क्लीन कर लेती हूँ और आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ ये वॉश करके, और टाइम हो रहा है
रात के 10:15 तो मेरा हेयर कलर तो हो गया, मतलब व्हाइट व्हाइट बाल दिख रहे थे, वो कवर हो गए। और क्या करें यार, हम यूट्यूबर्स हैं तो यूट्यूबर्स की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती, क्योंकि ना एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, फिर दिन भर काम भी होता है। जब आप काम ऐसे ही करते हो ना, काम में टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन जब आप काम को शूट करते हो तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो ऐसे ऐसे होता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, और चलिए बात कर लेती हूँ आपसे बैठ के। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग में जरा सा कुछ भी स्किन थोड़ी ड्राई सी हो गई, कुछ लगाना पड़ेगा इस पर। थोड़ा सा मैंने वो लगाया था अपना, क्या बोलते हैं उसको, लिप कलर। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना। और बहुत जल्द कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कभी, सच बताऊं तो। और देखते हैं क्या रहता है ना, और आई थिंक वो चीज़ आपके सामने कल के ब्लॉग में रिवील होगी। बहुत एक्साइटिंग रहेगा, आप सब जुड़े रहना, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आने वाले 2-4 ब्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।